यानी मृत्यु होने के बाद में सब रह जाता है, वो सबको ला करके और फिर सब सबकी जो है क्रियाएं करके सबको लिटा करके और उस शरीर में अपने प्राणों को अपनी जो ये पंच तत्व से हम अपने प्राणों को इस शरीर को संरक्षित करके अपने प्राणों को निकाल करके नहीं और उस सब में जो है प्रविष्ट कर देते थे और उस सबसे हम जो चाहते थे वो काम लेते थे। सफर के लिए जा रहे हैं मितावली पहाड़ियों की ओर और इसी मितावली पहाड़ी पर वो अद्भुत मंदिर है जिसकी तर्ज पर कहते हैं कि दिल्ली का जो संसद भवन है जो आज़ादी से पहले का बना हुआ है, जब लुटियंस की जब दिल्ली बन रही थी तो देश का वर्तमान संसद भवन बनाया गया है। तो आज हम इस मंदिर को करीब से देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज के दौर में ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वो पहाड़ी पर वो मंदिर है, उसका नाम 64 योगिनी मंदिर है। आपको अभी उसकी हल्की हल्की आभा दिखाई दे रही होगी। देखिए मैं 64 योगिनी मंदिर जो है मितावली की पहाड़ियों पर, मितावली बोलते हैं जगह को, वहां पर है बना हुआ। और यहाँ देखिए मैं आ चुका हूँ, अभी मैंने जस्ट शुरुआत किया है, जो ट्रैक है छोटा सा जहाँ पे गाड़ी लगाते हैं आप लोग, उसके बाद ये देखिए मितावली और ये देखिए ये गाय है और काफ़ी प्राचीन है। डेवलपमेंट ऑफ मितावली पीछे लिखा हुआ है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेवलप्ड बाय एमपी स्टेट टूरिज्म 2017 एंड 18, मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए बगुले दिखाई दे रहे हैं, गांव है बगल में और वो देखिए नीचे खेती बड़ी शानदार है। यहाँ पे नहर भी है, नदी भी है, एक छोटा सा डैम या बैराज कह लीजिए वो भी है। यहाँ पे खेती लाजवाब है, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। पत्थरों को देखिए काट के सीढ़ी बनाई हुई है ना। मितावली हमारा आजकल का नहीं है, ये हमारे द्वापर और त्रेता युग का है। द्वापर और त्रेता युग का है जहाँ द्वापर और त्रेता युग से संत साधना होती थी। हमारे हरिवंश पुराण में लेख मिलता है कि जो हमारी पढ़ावली है, जो बटेश्वर है, वो पुरोहितावली हुआ करती थी, उसका अपभ्रंश होकर के पढ़ावली हो गया। पुरोहितावली वो होती थी कि यहाँ हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए पुरोहित जो होते थे वो जो राजा होते थे उनके यहाँ पुरोहित का बहुत बड़ा पद होता था, उच्च कोटि का पद होता था। जो पुरोहित कहता उसको सब लोग मानते थे और राजा भी मानता था। तो पुरोहित वही बनता था जो 14 विद्या में निदान होते थे। ये सीढ़ियाँ देखिए, ऊपर की सीढ़ियाँ अभी बनाई गई हैं, नीचे जो थी वो पुरानी थी। ये मुरैना का नज़ारा और ये देखिए अद्भुत है। ये है 64 योगिनी मंदिर जिसके बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था और पहली बार मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इसे कहते कुछ और हैं, देखिए इकोत रसो महादेव मंदिर, स्थानीय लोगों के बीच इकोत रसा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिरों की भू योजना के समान 64 ही मंदिर हैं जिसमें अंदर योगिनियाँ बैठ के कभी तंत्र विद्या का किया करती थी। और दोस्तों देखिए शिवलिंग भी विद्यमान है इसके अंदर और महाराजा देवपाल ने 1323 में कराया था। और मंदिर की तलहटी में भारी भरकम आभूषणों युक्त आदमकद कुषाणकालीन पाषाण प्रतिमाएँ प्राप्त हुई, मतलब प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं जो वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर किले में रखी गई हैं। वह तो इसी बटेश्वर में जब हमारे मंडल मिश्र का और हमारे आदि शंकराचार्य जी का जो शास्त्र हुआ तो मंडल मिश्र को जो है हराया शंकराचार्य जी ने, पर वो 13 विद्या जानते थे। मंडल मिश्र की जो पत्नी थी उसने 14 विद्या का क्वेश्चन किया आज शंकराचार्य जी से कि आप बताइए कि कामसूत्र क्या है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ ब्राह्म दीजिए और मैं कामसूत्र का शीघ्र जो है अध्ययन करके आता हूँ। तब हमारे आज शंकराचार्य जी जो यहाँ आए इसी मितावली में, उन्होंने 14वीं शताब्दी की घटना है। देखिए किस तरह की डिजाइन है, यहाँ पे इनको जो है पत्थरों पे उकेरा गया है। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं 1323 में किस तरह से इसको उकेरा गया होगा, इन शिलाओं को पहाड़ों से काट कर किस तरह यहाँ पे लाया गया होगा। ये देखिए ये भी जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ
ये देखिए यहाँ भी वही चीज है जो मैंने ककन मठ में जो देखा था, मैंने ककन मठ में भी रखा ही गया था जो शिलाएं हैं, यहाँ भी देखिए शिला को रखा गया है, हालांकि ऊपर जोड़ है लेकिन जो काफी संख्या में देख रहा हूँ इनको जोड़ा नहीं गया है, और हो सकता है यहाँ की यही संरचनाएं रही हो, इसी तरह की कला रही हो यहाँ की आसपास की बनाने की। 14वीं शताब्दी के बाद में ये अदा कदा हमारी ये सारी शक्तियां जो विलुप्त हो गई। गर्भगृह है जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। अब जब प्रवेश करते हैं तो सामने ही, प्रवेश करते ही सामने ही ये देखिए ये जो सीढ़ियां जो जाती हैं वो जाती हैं गर्भगृह की तरफ, और ये मुख्य गर्भगृह है इस पूरे मंदिर का जो 64 योगिनी नाम से हम इसको जानते हैं, हालांकि इसके कई और भी नाम हैं। और ये देखिए ये गर्भगृह का जो एक परिक्रमा है वो मैं कर रहा हूँ। आप पिलर्स देखिए कितने पुराने और कितने प्राचीन पिलर्स हैं यहाँ पे, कमाल है यार, कमाल है यार। यहाँ पे आओ यार, सब प्लीज़ यहाँ पे आओ, देखो इस चीज़ को, कोई है ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए ये है भोलेनाथ, जय भोले बाबा, ये 64 योगिनी मंदिर। तो इस पूरे परिसर के अंदर जो है वो पूरे 64 कमरे बने हैं, और आप देख सकते हैं हर कमरे में एक शिवलिंग है, और कहते हैं कि किसी ज़माने में जब इसका निर्माण हुआ था तब यहाँ 64 योगिनियाँ भी रहा करती थी जो इसके अंदर तंत्र साधना करती थी। ये तंत्र साधना किस प्रकार की होती थी? जो सब साधना ये होती थी कि जैसे सब यानी मृत्यु होने के बाद में सब रह जाता है, वो सबको ला करके और फिर सब सबकी जो है क्रियाएं करके सबको लिटा करके और उस शरीर में अपने प्राणों को अपनी जो ये पंच तत्व से हम अपने प्राणों को इस शरीर को संरक्षित करके अपने प्राणों को निकाल करके नहीं और उस सब में जो है प्रविष्ट कर देते थे, और उस सब से हम जो चाहते थे वो काम लेते थे। अच्छा। और पुनः उसको जो है तंत्र साधना के द्वारा अपने शरीर में ही पुनः वापस कर देते तो हमारा शरीर सुरक्षित बना रहता। एक मर्यादा बन जाती जो हमारी अणिमा गणिमा लगमा जो शक्तियां हैं उनके द्वारा पेड़ होती जो हमारी जो कुंडलियों के द्वारा व्यक्त होती थी। ये तो ये रहा। तो देखिए ये पिलर्स हैं, अगर आप देखें इसको तो आप महसूस कर पाएंगे कि जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस हमारा बनाया गया वो संसद भवन के जो ये पिलर्स थे बस इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया। इसका मतलब कि ये जो पिलर्स हैं उनको बाहर की तरफ कर दिया गया और बाकी उसको जो संरचना है मूलतः देखिए सेंट्रल हॉल की बात करें या अंदर की जो बात करें वो उसको बनाया गया इस तरह से, और बाहर इसको इन पिलर्स को बाहर की तरफ मोड़ दिया गया। तो काफ़ी हद तक डिज़ाइन इससे प्रेरित ही लगता है, और हालांकि इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये चीज़ कि 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर ही दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस को बनाया गया, लेकिन क्योंकि हम जब उसका प्रत्यक्ष हम उसको देख पाते हैं दोनों को की जब तुलना होती है दोनों को देख पाते हैं समझते हैं तो साक्षात ये हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। और देखिए सदियाँ गुजर जाने के बाद भी कितना खूबसूरत और कितना अतुलनीय लग रहा है ये परिसर। दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जब हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में हमें ना कुछ ऐसे सेटअप दिखाई देता है कि बहुत बड़ा महल होता है, तो ये सेटअप जो हम देखते हैं ना हमें लगता है यार नकली होगा ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इस सेटअप को देखने के बाद मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ये सेटअप असली है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। ये पूरा जो ऐसा लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग होने वाली हो और यहाँ पर ना ऐसा कुछ 3D या किसी ऐसे उससे ग्राफिक का इस्तेमाल करके हॉलीवुड में सेटअप डिज़ाइन करते हैं ना वैसे कुछ डिज़ाइन किया गया हो, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि ऐसा डिज़ाइन मैं यहीं खड़ा हूँ। पानी गिरने के लिए भी ये बनाया गया था और यही चीज़ हर जगह आपको दिखेगी ताकि पानी ठहरे ना। और ये देखिए यहाँ तो कमाल की चीज़ है, उसको आगे निकाल के बनाया गया है यहाँ पे उसको जो पानी निकलने के लिए ताकि पानी आगे गिरे तो उसको एक तरह से दिशा भी दी गई है। और मैं भी देख पा रहा हूँ देखिए इसको भी देखिए जोड़ा नहीं गया है, जो पिलर्स हैं जोड़ा गया है लेकिन नीचे ऐसा लग रहा है कि रखा गया हो और ऊपर लग रहा है कि बाद में जोड़ा गया है। ये हमारा जैसे यही अकेला नहीं है, देखिए हमारे यहाँ जैसे माँ पीताम्बरा आपने नाम सुना होगा, माँ पीताम्बरा पहले भी थी, छत्रसाल को जो माँ पीताम्बरा ने तलवार दी थी, छत्रसाल को जहाँ तक छत्रसाल तेरी तलवार चमकेगी तहाँ तक कोई राजा नहीं होगा, और उन्होंने आला उदल और इंदल को जिंदा किया, उन्होंने मृणाल अवस्था में इंदल को जिंदा किया पर लेकिन वो विलुप्त हो, स्वामी जी ने उन्हीं की साधना करके और विजय प्राप्त की थी क्योंकि साधक नहीं रहे। हमारे चित्र तो आज भी है, प्रतिमा आज भी है। ये एक और एक आर्किटेक्चर है जो इससे कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही फीट दूर है, ये मंदिर है 64 योगिनी का। ये देखिए ये 64 योगिनी मंदिर है और ये मुरैना
जिसका मैं फ़ैन बन चुका हूँ। हमने सुना था कि यहाँ पर एक अलग तरह की हमने कहानी सुनी थी मुरैना के बारे में, सीधा सीधा कहूँ तो डकैतों का इलाका है ऐसा बताया गया, ऐसा सुना था मैंने। एक मंदिर है, पद चिन्ह है देवी के, और यहाँ पर मूर्ति तो नहीं है लेकिन ये एक चुनरी है माता की और अगरबत्ती लोगों ने जलाई हुई है पहले, उसके कुछ निशान है। दोस्तों एक तो है पुराना संसद भवन और दूसरा है जो नया संसद भवन देश में बनने जा रहा है जिसका काम शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पुराने संसद भवन को जिस मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था ऐसा कहा जाता है, तो उस मंदिर का मैंने आपको एक टूर कराया। अब मैं जल्द ही मैं एक ऐसे मंदिर का आपको टूर कराऊंगा जिसकी तर्ज नया वाला जो संसद भवन है वो बन रहा है, मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा।